सुप्रभात बच्चों, आज मैं पार्ट वन का कविता जिसका शीर्षक है उड़ना आया पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इससे पहले मैं आपको पाठ परिचय करवा दूँ। इस कविता के माध्यम से कवि चिड़िया के बच्चे जिसका नाम चुड़गन है, वह अपनी माँ से बार बार यह प्रश्न पूछता है कि माँ क्या मुझे उड़ना आया, यह बताने का वो बार बार अपनी माँ से पूछता है माँ क्या मुझे उड़ना आया। उसके हौसले के बारे में कवि ने हम सभी को बताने का प्रयास किया है। इससे पहले कुछ कठिन शब्द पात। पात का अर्थ होता है पत्ता। चुड़गन नन्ही चिड़िया जिसका नाम है चुड़गन नाम है। भरमाना यानी कि भ्रमित होना, भ्रम पालना। अज्ञात जिसके बारे में पता ना हो, यानी कि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। गगन आसमान अनिवार्य बिना रुके हुए। पर पंख दैनिक। काया शरीर, इसको आप तन भी कह सकते हैं, तन ये है। अब कविता है छोड़ घोसला बाहर आया, देखी डाली देखे पा। ये चिड़िया का बच्चा जो चुड़गन है वो अपना घोसला को छोड़कर अब बाहर आता है और वह क्या देखता है कि वो डाली देखता है, पेड़ों की डालियां देखता है, पत्ते देखते हैं। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। और उसने सुना कि ये पत्ते जो है वो आपस में हिलमिल करके बातें कर रहे हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुड़गन तू भरमाया। वह पूछता है अपनी माँ से कि माँ देखो ये पत्ते जो हैं हिलमिल कर आपस में बातें कर रहे हैं, ये डाली जो है मैंने डाली को देखा, पत्ते देखे, ये पत्ते जो आपस में बातें करते हैं उसको मैंने सुना, तो क्या मुझे उड़ना आया। तो माँ कहती है नहीं चुड़गन, चुड़गन उस चिड़िया के बच्चे का नाम है, नहीं चुड़गन तू भरमाया, तुम्हें उड़ना नहीं आया है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और काट गिराए। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बात। एक बार और, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। ये चुड़गन जो है वो कच्चा फल और पक्का फल, यानी पका हुआ फल और कच्चा, कौन सा कच्चा है, कौन सा खाने योग्य है और कौन सा फल जो है खाने योग्य नहीं है, ये उसको पहचान में आ गया है। अब जो है उनके खाने और गाने जो उसके चुड़गन के साथ और भी चिड़िया के बच्चे जो चुड़गन के साथ खाते हैं और गाते हैं, यानी कि संगीत गुनगुनाते हैं, वो सारे चुड़गन का बाट यानी कि रास्ता, बाट मीन्स होता है पथ, रास्ता, रास्ता देख रहे हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, अब ये फिर पूछता है कि मुझे कच्चे फलों की और पक्के पके फलों की पहचान आ गया है, मैं अब यह जान चुका हूँ कि कौन सा फल खाने योग्य है और कौन सा फल खाने योग्य नहीं है, यानी कि उसको वो काट गिराने के योग्य है। उसके बाद जो है मेरे साथी जो मेरे खाने और गाने के सब साथी हैं वो मेरा रास्ता देखता है, तो क्या माँ मुझे उड़ना नहीं आया। माँ कहती है नहीं चुड़गन तू भरमाया, नहीं तुम भ्रमित मत हो चुड़गन, तुम्हें उड़ना नहीं आया है, तुम्हें भ्रम हुआ है कि मुझे उड़ना आ गया है। ये नीले अज्ञात गगन की सुना है अनिवार्य पुकार। ये मैं नीले अज्ञात गगन की, ये जो है नीला आसमान जो है जो अज्ञात है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, उससे एक आवाज आती है जो उससे एक लगातार बिना रुके हुए एक आवाज आती है, वो आवाज लगाती है कि
कोई अंदर से कहता, यानी कि उस नीले अंबर से एक बिना रुके अविरल पुकार आता है कि उड़ जा उड़ जा उड़ जा परमार के कि ऐ चुंगन तुम उड़ जा उड़ जा उड़ जा। और ये पर मतलब डैने डैने या पंख मारकर पंख फैलाए हुए तुम उड़ जा नीले आसमान में उड़ जा। माँ क्या मुझको उड़ना आया कि माँ देखो मैंने ये जो नीला आसमान है ये अज्ञात आसमान है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। उससे मुझे एक लगातार एक आवाज सुनाई दे रही है कि कोई उसके अंदर से कह रहा है यानी कि उसके भीतर से कोई मुझे लगातार ये कही जा रहा है कि उड़ जा अपना पर जो है अपना डैना जो है अपना अपने डैने को अपने पंख को फैलाए हुए उड़ जा तुम उड़ जा। तो क्या मुझे उड़ना नहीं आया माँ बताओ क्या मुझे उड़ना आया। माँ कहती है हम आज सफल हैं तेरे डैने कि बेटा आज सफल हो गया कि तुम्हारे ये दोनों डैने जो हैं वो सफल हो गए हैं। आज सफल है तेरी काया हाँ आज तेरा बदन जो है तेरा शरीर जो है वो भी सफल हो गया है। तेरे डैने सफल हो गए हैं तेरी काया सफल हो गया है क्योंकि तुमको उड़ना आ गया हाँ चुड़गन तुमको उड़ना आ गया है। मौखिक प्रश्न यह कविता किसने लिखी है। यह कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। इस कविता में किसके बारे में बताया गया है। इस कविता में चिड़िया के बच्चे चुड़गन के बारे में बताया गया है। चुड़गन अपनी माँ से किस बारे में बात करता है। चुड़गन अपनी माँ से उड़ने के बारे में बात करता है। कौन भरमाया हुआ है चुड़गन भरमाया हुआ है। अब कुछ लिखित प्रश्न है चुड़गन को किसकी पहचान हो गई है। चुड़गन को कच्चे और पके फलों की पहचान हो गई है। खाने और गाने के साथी क्या कर रहे हैं। खाने और गाने के साथी चुड़गन का राह देख रहे हैं बाट देख रहे हैं। कवि ने गगन को कैसा बताया है। कवि ने गगन को अज्ञात बताया है। क्या चुड़गन को उड़ना आया हाँ चुड़गन को उड़ना आया।